पहिल्याच दिवशी येऊन जायला पाहतो एवढी काशी झालीच नसती माझ्यासोबत. इकडं तिकडं करण्यामध्ये ना भाई माणसाची मेंटॅलिटी खराब होऊन जाते, रिकामे काम होऊन जात. गुड मॉर्निंग जी, कैसे सभी? बढ़िया मस्त मजे में. आज तारीख कितनी है रे? आज 3 दिसंबर तारीख है. आ गए हमारे पहले वाले स्टे के ऊपर. अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा, कल नींद कंप्लीट नहीं होने के कारण. आपने देख ही लिया मतलब क्या लगे थे मेरे. आज की दिनचर्या बहुत सुंदर होने वाली है. आज मुझे जाना है पहले पाटिल साहब को गाड़ी देने. गाड़ी देख के मुझे पाटिल साहब खराड़ी में छोड़ेंगे. खराड़ी के क्लाइंट का काम मुझे पूरा करना है. उसके बाद मैं साहिल भाई के पास जाऊंगा. मैं सोच रहा कि वही नहाना धोना करूँ, पर अभी यही कर लेता यार. इतनी मेहमान नवाजगी कर रही है सब लोग कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं. पानी वगैरह गर्म कर रहे हैं सब रेडी. इधर भी कोई टेंशन नहीं है, ओपन है इधर. और ना मतलब क्या ही बोलूँ मैं. आज के ब्लॉग में आपको सब देखने के लिए मिलेगा. आज के ब्लॉग में आपको अंगोल देखने के लिए मिलेगी, शौचालय देखने के लिए मिलेगा. क्या नहीं दिखाओ, मत दिखाओ, चलेगा? नहीं दिखाता वो भी दिखाने वाली चीज है क्या कोई? हाँ इब्राहिम, और क्या करता? मजे में है ना सब? बढ़िया है ना? कितना कितना प्यारा प्यारा बच्चा है यार तू. गुड मॉर्निंग सचिन सर, एक बार कैमरे के सामने. सचिन सर ऐसे मतलब शर्मिले थोड़े से, पर अच्छे है मतलब दिन से. क्या बोलते, बढ़िया है ना सर? हाँ जी भाई, निकल पड़े सुबह सुबह अपने पाटिल साहब को गाड़ियाँ देने के लिए. अभी मौसम मतलब एक नंबर लग रहा है, पर सारा ठंडा है और मुझे जुकाम है ना, इसलिए मुझे पर अभी कोई सीन नहीं. पहुँच गए जी अवारवाड़ी. पाटिल साहब ने मुझे 8:30 का टाइम दिया था, पर अभी मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ. नाश्ता वगैरह करने के लिए होटल पर रुक गया था मैं. हाँ जी भाई, ये रास्ता है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा सा आपको. ओके, बाय द वे आ रहा हूँ, समझ में अभी बराबर आ गया मैं. क्या बोलते छोटू? हाँ नमस्ते. सोडूंगी अच्छा, लेट नहीं होना तुम्हारा. अपनी वर्क लोकेशन पर काम वगैरह करके फिर आता मैं आपसे मिलने के लिए. ओके बाय बाय. साहब क्या साहब, क्या आता भाई? गाड़ी लागना थी मैं पुणे से ही लाता था. सर धन्यवाद, भेटू लवकर. ओके या साहब, चलो. ओके तो भैया जी, अभी कितने बजे एक बार देख लेता मैं. अभी बज चुके हैं 9:50. मेरा पूरा दिन अभी यहाँ पर एनिमेशन वगैरह कुछ मतलब काम में गया. और अभी पाटिल साहब का शोरमा खा के डायरेक्ट निकलना है हमें साहिल भाई के यहाँ पर. आई नो कि ब्लॉग थोड़ा सा छोटा वगैरह बना होगा, पर एडजस्ट कर लीजिएगा. डेली ब्लॉगिंग चालू है, थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा. देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती है. मतलब सर जी भी हमें गाड़ी दे रहे, तो फिर जाते जाते मोटो ब्लॉग भी करेंगे, नाइट भी दिखाएंगे आपको पुणे का. अगर यहाँ तक देखा है तो फिर आगे भी एंड तक देख लीजिएगा. और चलते भी. हाँ जी भाई, ये एक बैग और मेरे पीछे एक बैग लेकर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ अभी साहिल भाई के पास. मुझे ना यार अभी इधर भी रुकने का नहीं है, मतलब रुकने के लिए किसको पूछने का नहीं है. मुझे एक ही स्टे पकड़ना है और एक ही स्टे पर रहने का है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि मैं चार दिन अलग अलग जगहों पर रहा. इससे ना यार माइंड स्टेबल नहीं रहता आपका. एक ही जगह पकड़ूँगा और एक ही जगह रहूँगा. ओके चलो. हाँ जी भाई,
पहुंच चुके अपने पाटिल साहब के शोरमा रोल की दुकान पर। दो रोल बनाने के बोल दिए थे, देखते हैं। हायत का साहेब, हायत का चालेल बघा व्लॉग वगैरे बघा। हा लवकर उद्या जमलं तरी येईल का हो, गाडी चावी कोटून दिली मैंने। बाय द वे भाई साहब, मैंने आगे वाली बैग पीछे शिफ्ट कर दी है क्योंकि थोड़ी सी कंफर्ट राइड करनी थी मुझे। गाड़ी की चाबी ओके मिल गई। जातो याद इकडनं डायरेक्ट शिवाजी नगर, 30 किलोमीटरचा रस्ता आहे, 30 का 22 किलोमीटर आहे काहीतरी, बरोबर ना? निघाल रे भाई खराडी से। हरी ओम, भेटू साहेब लवकरच। देख रहे क्या भाई, यूनिक मार्केट सिटी पीछे चला गया, कैमरा बाद में ऑन किया। नियर टू द बंड गार्डन, ये सीन बहुत मिस करता था मैं। बस लगता रहा यार पुणे में इतने नाइट को घूम रहा है। कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, बातें मतलब कुछ गुड हैबिट्स है मेरी जो आपसे शेयर करनी थी ना भाई लोग। एक आदत है, जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब जो भी भाई लोग मुझे हेल्प करते हैं ना, तो मेरी कंडीशन ना होते हुए भी और कौन सी भी कंडीशन हो मेरी, फिर भी मैं उनको ना इसे एकदम जिद से हेल्प करता हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए उनको कुछ तो कुछ, मतलब हेल्प नहीं बोलूँगा पर कुछ ना कुछ करूँ उनके लिए। जैसे कि पाटिल साहब का एग्जांपल ले लो, पाटिल साहब ने मुझे गाड़ी दी 2-3 बार, मेरे लिए वो खास रिक्शा से ट्रैवल किए, तो मैं उनको डायरेक्ट मतलब वहीं से पेमेंट वगैरह वाली चीज़ें नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, उनके पास रोल खाने चला जाता हूँ। एक रोल नहीं खाता मैं, 2-3-4 रोल ऐसे मतलब खा लेता हूँ, क्योंकि एक तरह से मतलब यार उनकी भी हेल्प हो जाएगी करके, ऐसे इनडायरेक्टली हेल्प करता हूँ मैं। पर कौन सी भी कंडीशन में करता हूँ, अभी मैं खराड़ी से सीधा यहाँ पर जा सकता था पर मैं यू टर्न मार के उनकी दुकान पर गया। मेरे 15-20 मिनट मैंने डाले, क्यों? क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली हेल्प करनी थी। होती है भाई ये क्वालिटी है, मैं मुझे लगता है ऐसा आपके पास भी ऐसी कोई क्वालिटी होगी, बताइएगा कॉमेंट में अगर मतलब अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा ही है तो। कुछ दवाइयाँ ले लेते भाई जुकाम की, मुझे पंगे नहीं चाहिए जिंदगी में, जिंदगी में मतलब पुणे में आने 3-4 दिनों में। ओके, सर्दी चकोड़ा देना वो मशीन, डायरेक्ट फरक पड़ा भाई आशा रात्री में नहीं या? एक रात्री आता जेवणानंतर उद्या दुपारी जेवणानंतर। चल किती चाहिए के? 5 रुपये। ओके भाऊ धन्यवाद भाऊ, एवढ्या रात्रीचे आले भाऊ, आराम वगैरे करत होते का झोपले होते? हा माझं सगळं पिसोडं घेऊन आलेलो आहे भाऊ मी आज। अरे ते चुकलं माझं, जाऊ दे आता, पहिल्याच दिवशी येऊन जायला पाहिजे, एवढी काशी झालीच नसती माझ्यासोबत। अरे इकडं तिकडं करण्यामध्ये ना भाई माणसाची मेंटॅलिटी खराब होऊन जाते आणि रिकामे काम होऊन जातात। एवढाच होता भाऊ आजचा प्रवास, येऊ का मी आता? बाय बाय बोलण्याची वेळ आलेली आहे, आता डायरेक्ट झोपायचंय, स्लीप करायची आहे। येतो करून द्या आता, काय बोलू मी घडी घडी, ते बेकार वाटतं ते, येतो।